हेलो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत होगी कुछ इस प्रकार की लेस की। दोस्तों ये लेस आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगी और हम इस लेस में से अपनी कुछ लाइनें यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों ये डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है और साथ ही इस डिज़ाइन को वो लोग भी बना सकते हैं जिन लोगों को डिज़ाइनिंग करना बहुत ही कम आता है, क्योंकि इस डिज़ाइन को हम बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। तो दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपना एक स्ट्रेट बी नेक काटा हुआ है। आप इस स्ट्रेट बी नेक को बहुत ही आसानी से काट सकते हैं और ये बिल्कुल सीधे तरीके से काटा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम अपने इस नेक को कुर्ती पर बना लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपने इस नेक को कुर्ती के कपड़े पर चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद कुर्ती पर रखकर सीधी तरफ से उल्टी तरफ को फोल्ड कर देंगे। दोस्तों ये सब कुछ बहुत ही आसान होता है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को सिंपल तरीके से कुर्ती पर बना लिया है और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक पर यहाँ पर अपनी ये वाली लेस को यूज़ करेंगे। तो इस लेस को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लेस में से दो लाइनें काटकर अलग निकाल ली होंगी, तो हम यहाँ पर अपनी दो लाइनें कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी दो ही लाइनें सिर्फ कट के अलग हो रही हैं। इसी तरीके से हम अपनी सीधी पूरी लाइन कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको इस लाइन को क्या करना है, दोनों को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद इसके दो भाग कर लेने हैं। तो ये हमने अपने दो भाग कर लिए हैं और दो भाग करने के बाद में दोस्तों उल्टी तरफ, ये देखिए ये सीधा भाग है इसका और ये उल्टा भाग है, उल्टे भाग के ऊपर हर मोती के ऊपर हम अपने फैब्रिक ग्लू के थोड़ी थोड़ी बूंद टपका देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी दूसरी वाली लेस पर भी फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। तो दोस्तों फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी इस लेस को नेक पर सेट करना है। तो सेट करने के लिए आपको कैसे क्या करना होगा, देखिए लेस को इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में नेक पे इस तरीके से सेट करना है, नेक से 1/4 इंच की दूरी बाहर की तरफ इस तरीके से। ये हमने 1/4 इंच की दूरी अपनी सेट कर दी है और सेट करने के बाद में दोस्तों जो हमारी एक्स्ट्रा लेस है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी दूसरी वाली लेस को भी इसी तरीके से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा लेस है इसको भी हम यहां से कट कर देंगे और सेट हो जाने के बाद में दोस्तों इसको क्या करना है, आपको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी लेस चिपक कर बहुत ही फिनिशिंग से फिट हो गई है। इसके बाद दोस्तों हमने अपने नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए कुछ इस तरह की बाउ टाई बनाई हुई है। इस बाउ टाई को हम अपने नेक पर देखिए यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद में दोस्तों हमारे नेक का जो लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और दोस्तों अगर आपको ये बाउ टाई बनानी नहीं आती है तो बहुत जल्द हम अपने नए चैनल पर ये बाउ टाई आपको बनाना सिखा देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल का जो नाम है वो है PK है क्या, वहाँ पर आपको इससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी मिलेंगे।